हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में ना। तो पिछले क्लास में जो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट डेफिनेशन था आपका, है ना। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो आपके पास टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी भी हमने उस टाइम पर बताया था, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं इवेंट, जिसमें मैंने ये बताया था आपके पास कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, श्योर इवेंट क्या होते हैं, है ना। मैंने ये सब के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम इवेंट का ही दो और पार्ट है हमारे पास, दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड आपके पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास ट्वेल्थ का अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना तो इसमें आपके पास पूरा एक एक्सरसाइज है इस पर पढ़ना आपको, है ना। एक्सरसाइज तो मैं आपको करवाऊँगा बट पहले ये दोनों पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। देखिए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में, किस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। मैं बता दूं कि अगर म्यूचुअली नाम का वर्ड हटा दें अगर आप यहाँ से, तो जो एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं उसी चीज़ को जब सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ते थे, दिस इज नोन एज क्या पास डिसजॉइंट सेट, आपको याद होगा डिसजॉइंट सेट। अगर मैं सिर्फ दो सेट की बात करूँ या दो इवेंट की बात करूँ, तो दो इवेंट की बात करेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और अगर सेट थ्योरी में दो आपके पास क्या है सेट है उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, कब करते हैं, अगर मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है, अब बी हमारे पास एक सेट है, याद रखिएगा, या फिर ए मेरे पास एक इवेंट है अब बी भी मेरे पास एक इवेंट है, और दोनों इवेंट के बीच का जो इंटरसेक्शन है फाई, या फिर बोल दीजिए कि दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन फाई। मैं बता दूँ अगर ए और बी को सेट बोलते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई द डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी को इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हुआ दिस इज द एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा म्यूचुअली सर क्या हुआ आपका, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जब भी कभी आप दो इवेंट के जगह पे तीन इवेंट लेते हैं, चार इवेंट लेते हैं, पांच इवेंट लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपसे बोल दिया कि मेरे पास एक इवेंट ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरीके से इवेंट है, चार इवेंट है, मैं इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहूँगा जब आप कोई भी दो उठा लो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, कितना पास, बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन कितना हो गया, डी, सी इंटरसेक्शन डी, सबका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, सबका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए आपका, फाई आना चाहिए, मतलब कोई भी दो उठा लो तब पर तब सबका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई। इवन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इवन दो दो का ही नहीं, तीन तीन का भी अगर आप उठाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, बराबर कितना पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कितना हो गया, डी, कितना मेरे पास, ए इंटरसेक्शन जो भी आपके पास देख लीजिएगा पूरा करके, ठीक है ना, जो भी तीन तीन का भी अगर आप मान लीजिए लेते हैं, ठीक है, तब पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, तब पर भी मतलब इस तरीके से अगर डेढ़ साल लेते हैं कितना आएगा, छः आएगा टोटल, ठीक है ना, फोर सॉरी चार आएंगे टोटल, एक और आएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी क्या देख लीजिए उसमें कौन सी बात है, हम लोग क्या कर लिए, एक दो ये हो चुका है, एक दो ये हो चुका है आपके पास, एक और ये हो चुका है, तो फाइनल बच गया हमारे पास क्या भाई साहब, बच गया हमारे पास बी सी डी, हाँ ये बच गया, तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन कितना हो गया, डी, दिस इज इक्वल टू फाई। अगर तीन तीन का भी लेंगे तो फाई है, इवन अगर चारों का भी ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, दिस इज ऑल्सो क्या पास, फाई। आप बोलोगे सर इतना कुछ जानने की जरूरत है क्या, हम लोग, नहीं भाई साहब इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्यों, जब दो ही पर फाई आ गया, कोई भी दो उठाएंगे तो फाई आएगा, तो ये गारंटी है कि जब तीन भी उठाएंगे तो क्या आएगा, फाई ही आएगा यार, कोई भी दो उठाने पर अगर फाई आता है तो उसमें से कोई भी तीन उठा लीजिए, गारंटी के साथ क्या आएगा, फाई आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम लोग तभी कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसीलिए अब हम आगे आपको डिस्कशन करते हैं क्या होता है। देखिए तो हमने बोल दिया आपको कि लेट के आपके पास E1, E2, ठीक है ना, ढेर सारे इवेंट की बात करें, E1, E2 कितना पास, E3, ठीक है, डॉट डॉट कितना पास, EN भी कितना पास, N इवेंट्स आर सेड टू बी, आर कितना है, सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
इवेंट्स, इवेंट क्या बोल देंगे, इफ के पास देखिए ए आई इंटरसेक्शन ए जे बराबर क्या हो गया फाई फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल्स टू जे एंड वेट वेयर द आई एंड जे कहाँ से कहाँ तक बताइए लाइज बिटवीन वन टू लेकर एन तक। ठीक है चलिए आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आई और जो इज इक्वल्स टू दीजिए 1 2 3 और डॉट डॉट कितना पास एन ऐसा लिख दीजिए है ना। इवन आप कोई भी दो उठा लेंगे और आई और जे बराबर है ऐसा नहीं यार कि ए वन उठा लिया और फिर ए वन ही उठा लिया या फिर बोलेंगे सर हम तो ई थ्री उठाएंगे ई थ्री को ई थ्री से ही इंटरसेक्शन करेंगे तो ई थ्री को ई थ्री से करिएगा तो आई और जे तो बराबर ले लिया तो ई थ्री को अगर ई थ्री से इंटरसेक्शन करिएगा तो ई थ्री आएगा फाइव आएगा क्या नहीं आएगा ना भाई साहब। ठीक है तो ये आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल के बात में करें तो मेरे ख्याल से गारंटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअली नाम का वर्ड क्यों दिया गया। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ही होता है कि अगर सर हमारे पास ढेर सारे इवेंट है तो कोई भी दो दो को उठा लेंगे किसी भी दो को उठा लीजिए इंटरसेक्शन फाइव कोई भी तीन तीन को भी उठा लेंगे तो इंटरसेक्शन फाइव चार चार को भी उठा लेंगे तब पर भी इंटरसेक्शन फाइव दिस इज कॉल्ड क्या पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है ना। याद रखिएगा नेक्स्ट आपने बोला सर एक आपने एक कंडीशन लिखा तीन तीन पर तो लिखा नहीं तो कितना लिखते रहोगे यार। ठीक है चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं मैंने क्या बोला आपके पास अ कॉइन ठीक है अ कॉइन नहीं है पास ऐसा लिख दिया पास थ्री कॉइन्स या फिर ये एक और लिख देते हैं दोनों का हम एक बार में क्या लिख देते हैं वो क्या नाम है एग्जाम्पल लिख देते हैं ज़्यादा बेटर है ना। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट आगे डिस्कशन करते हैं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद हमारे पास है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में तो उसके बारे में जरा सा आप देख लीजिए म्यूचुअली म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ेंगे तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट आएगा इसमें क्या होता है कि लेट ई वन ई टू ई थ्री डॉट डॉट ई एन बी इन पास इन इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ समझिए बात में है ना। सॉरी यार आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप ना देखिए यार यहाँ ई वन ई टू ई थ्री लिखे हैं और यहाँ पर यार हमने ये लिख दिया ए आई इंटरसेक्शन ए जे लिख दिया ये गलत बात है ए आई नहीं क्या लिख देंगे यहाँ पे यहाँ पे ई आई लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे ई जे लिख दीजिए प्लीज वहाँ पर थोड़ा सा ए आई और ए आई इंटरसेक्शन ए जे जो था उसको ई आई इंटरसेक्शन ए जे बना लीजिए ई जे बना लीजिए क्यों हम लोग ई वन ई टू लिखे थे ना ए वन ई टू तो नहीं लिखे थे। ठीक है चलिए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है समझिएगा इफ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है कि अगर सर हमारे पास एक इवेंट आपके पास ई वन है एक ई टू है एक ई थ्री है और एक मान लो ई फोर है चार ही इवेंट है किसका सैम्पल स्पेस का चार इवेंट है तो चारों इवेंट को अगर मैं यूनियन कर दूँ तो गारंटी के साथ क्या आना चाहिए सैम्पल स्पेस आना चाहिए जो सैम्पल स्पेस है ना बेटा वो मेरा जनरेट हो जाना चाहिए। अगर सैम्पल स्पेस जनरेट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है तो क्या लिख देंगे इफ ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री यूनियन ठीक है डॉट डॉट कितना पास यूनियन कितना हो गया ई एन आप बराबर कितना हो गया एस एस क्या है सैम्पल स्पेस है भाई साहब तो ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा इसी को आपके पास एक और तरीका है लिखने का वो तरीका ये है भाई साहब कि एक यूनियन लगा देते हैं दिस इज द ई आई और आई इज इक्वल्स टू वन से लेकर व्हाट इन और दिस इज इक्वल्स टू कितना सैम्पल स्पेसेस इसी को लिखने का एक और तरीका है ये हमारे पास ना। ठीक है तो कई बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कई बुक में ऐसे भी देखने को मिलेंगे दोनों पर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ तो फटाफट आप इसको जरा सा नोट कर लीजिए। नोट कर चुके हैं ना चलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद एग्जॉस्टिव इवेंट दोनों हमारे पास है एक हम आप लोग भी हम एग्जाम्पल रखेंगे और इस पर एग्जाम्पल तो खैर एक्सरसाइज ही है तो भी किया जाएगा बट फिलहाल हम लोग एक बार इसको देख लेना। हाँ तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया पास दिया तो हमने बोल दिया कि अब थ्री कॉइंस थ्री के बेटा थ्री कॉइंस कितना पास टॉस्ट साइमल्टेनियसली ना थ्री कॉस कॉइंस आर टॉस्ट है ना और कितना टॉस्ट साइमल्टेनियसली अगर आप तीन कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस जो आपका बनेगा पहले उसके बारे में बता दें
जो सैम्पल स्पेस बनेगा भाई साहब वो क्या बनेगा, देखिए तो एच एच क्या बनेगा एच, और क्या बनेगा एच एच क्या बनेगा टी, एच टी क्या बनेगा एच, और क्या बन जाएगा पास फिर से बताइएगा, एच बन जाएगा टी और कितना टी, फिर उसके बाद टी एच और एच बन जाएगा टी एच और क्या बन जाएगा टी बन जाएगा, ठीक है ना, हाँ सही है, फिर उसके बाद टी टी और क्या बन जाएगा एच बन जाएगा और टी टी और क्या बन जाएगा टी, दीज आर द एट सैम्पल स्पेस, सॉरी दीज आर द एट क्या पास सैम्पल पॉइंट ऑफ दिस सैम्पल स्पेस राइट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अगर हमारे पास ये सैम्पल स्पेस बन गया ना तो अब मैं इवेंट लेना चालू करता हूँ, सबसे पहले इवेंट ई वन, व्हाट वाज द इवेंट, इवेंट के पास मैं लिख दूँ क्या लैंग्वेज में, चलिए लैंग्वेज में लिखता हूँ, लैंग्वेज में लिख दिया पास क्या पास, ठीक है एग्जैक्टली एग्जैक्टली कितना पास थ्री, थ्री कितना है एट, एग्जैक्टली थ्री है, बताओ इसमें क्या आएगा, यही ना आएगा एच एच और एच, कितने एलिमेंट आएंगे इसमें एक एलिमेंट। चलिए ई टू के बारे में हमने बात कर ली, ई टू क्या बोलेंगे आप पास, देखिए तो समझिए बात को ना, एटलीस्ट थ्री टेल, समझिए ना एटलीस्ट, एटलीस्ट कितना पास, या फिर एटलीस्ट क्या कर दीजिए टू टेल कर दीजिए, कितना कर देंगे एटलीस्ट टू टेल कर देंगे, एटलीस्ट टू टेल में क्या आएगा, एटलीस्ट टू टेल में कम से कम दो टेल होना चाहिए यार, ये वाला आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये तीन तीन टेल है, तो कितना आ जाएगा एच टी और कितना आ गया टी, टी एच और कितना आ गया पास एच, सॉरी हाँ एग्जैक्टली टू टेल है सॉरी, तो ये आ जाएगा, उसके बाद टी टी और कितना है एच और टी टी और कितना हो गया टी, दीज आर द फोर एलिमेंट ना। नेक्स्ट ई थ्री इवेंट की अगर हम बात के बारे में बात करेंगे तो क्या बोले एग्जैक्टली टू हेड के बारे में बात करेंगे ना, एग्जैक्टली कितना पास टू हेड, मतलब आपके पास एक ऐसा इवेंट है कि एग्जैक्टली दो ही हेड आना चाहिए, तो इसके पास क्या हो जाएगा, देखिए तो एच एच कितना हो जाएगा टी, यानी ये और कितना ये, अगला कितना हो जाएगा एच टी और कितना हो जाएगा एच और टी एच और कितना हो जाएगा एच, आगे बात करें। चलिए आपके सामने तीन इवेंट हैं, जो तीनों इवेंट में से किसी भी इवेंट को आप देख लीजिए, क्या ई वन को ई ई टू के साथ इंटरसेक्शन करेंगे फाइव आएगा, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट, इसके अंदर चार एलिमेंट है, लेकिन इसमें एच 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 इसमें है क्या, नहीं है, तो फाइव हो गया। अगर आप E2 इंटरसेक्शन E3 करते हैं तो क्या आएगा, फाइव आएगा, इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन है इसमें, नहीं है। नेक्स्ट अगर आप E1 इंटरसेक्शन E3 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वो भी फाइव आ जाएगा, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं। अगर आप यहाँ पर अगर तीनों का भी कर देंगे ना, इसका 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 इंटरसेक्शन कर देंगे तो पर भी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है, तो देख लीजिए। एंड ऑल्सो तीनों का यूनियन करके देख लीजिए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, एक चीज़ और देखिएगा, अगर आपने जब सब किसी भी दो को लेकर के इंटरसेक्शन किया तो फाइव आ गया, मतलब दीज थ्री के पास इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है समझाता हूँ आपको ना। चलिए अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट इन तीनों का यूनियन कर दो, यूनियन करोगे इसमें एच एच, यूनियन का मतलब क्या होता है, ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई वन एज वेल एज ई टू एज वेल एज ई थ्री, तो भाई साहब हमारे पास ई वन का भी हर एलिमेंट आएगा एच एच और कितना हो गया एच, अगला क्या आ जाएगा एच टी और कितना हो जाएगा टी, कितना हो जाएगा टी एच और कितना हो जाएगा टी, अगेन ये भी आ जाएगा टी टी और कितना हो जाएगा एच और टी टी और कितना हो जाएगा टी, ये भी आ जाएगा, ठीक है एच एच और कितना हो जाएगा टी, ठीक है एच टी और कितना हो जाएगा एच, अगला कितना हो गया टी एच और कितना हो जाएगा एच, आप देख लो क्या ये पूरा का पूरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये पूरा एस को जनरेट कर दिया आपके पास, एस को जनरेट कर दिया कि ठीक है, मतलब सर अगर तीनों को अगर मैं यूनियन किया तो मेरा सैम्पल स्पेस आ गया, लेकिन अगर मैं तीनों में से किसी भी दो को उठा लूँगा तो इंटरसेक्शन कितना आ गया, फाइव आ गया, मतलब सर दीज थ्री इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है ना, फटाफट ना आप क्या लिख सकते डी एफ फोर कितना हो गया पास ई वन ई टू, ठीक है एंड कितना पास ई थ्री आर कितना पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है ना, एक्सक्लूसिव कितना पास एज वेल एज पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है ना बेटा, कोई दिक्कत, तो फटाफट जरा सा नोट कीजिए इसको, हम लोग जस्ट आगे बढ़ने वाले हैं।
आई होप आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट समझ में आ गया। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को आप ऐसे भी समझिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। म्यूचुअली अगर आप सबको पूछेगा सर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम देख कर कैसे पहचानेंगे कि दो इवेंट है, दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि दो इवेंट को आप देख करके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे पहचानेंगे। सिंपल सी बात है, दो इवेंट, एक इवेंट E1, एक इवेंट E2, दो इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तभी होता है जब एक अगर होगा तो दूसरा होगा ही नहीं। एक इवेंट होगा, दूसरा इवेंट गारंटी के साथ नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डाइस को भिगोगे और एक इवेंट E1 है जिसमें से क्या बोला गया कि ऑड नंबर आएगा, यानी 1, 3, 5, एक में बोला गया कि इवेंट नंबर आएगा 2, 3, 2, 4 और 6, तो अगर डाइस पे ऑड नंबर आएगा तो क्या इवेंट नंबर आएगा? क्या नहीं आएगा ना। और अगर इवन नंबर आएगा तो क्या ऑड नंबर आएगा? क्या नहीं आएगा। मतलब इवन और E2, अगर इवन आएगा तो E2 नहीं आएगा और E2 आएगा तो इवन नहीं आएगा। मतलब दिस इज कॉल्ड क्या पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब अगर एक इवेंट इवन है, एक इवेंट E2 है, इवन E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होता है जब एक इवेंट अगर होगा तो दूसरा होगा ही नहीं, यानी गारंटी के साथ दूसरा नहीं होगा, एट अ टाइम नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ के आपके पास प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है यार, यहाँ से आपके पास ना एडिशन थ्योरम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी मेन मायने में स्टार्ट हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप इस चीज़ को यार ध्यान में रखिएगा ना। चलिए, क्या है हमारे पास एडिशन के पास थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ज़्यादा बेटर है आपके पास। इसको देखिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है आपको और क्या मतलब ये ऐसा है क्या चीज़ है भैया साहब? मतलब ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को बढ़िया सब समझिए। आप सेट थ्योरी में जो चीज़ पढ़े थे ना, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट में जो चीज पढ़े थे, एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है आपको? वहीं पर एन के जगह पी लग जाएगा तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी मेंट्री करेगा। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है तो मैं बताता हूँ। क्या आप लोग जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऊपर में एन के साथ जो रहता है वही पी के अंदर रहता है, नीचे तो एन एस ही रहेगा गारंटी के साथ, है ना। चलिए तो मैं बता दूँ, पहला जो हमारे पास थ्योरम ये है, थ्योरम ये कहता है ठीक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है ए यूनियन बी, मतलब दो सेट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, दो इवेंट का सॉरी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ए, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? मैं बोलूँगा आप निश्चिंत रहिए, अगर आप सेट थ्योरी को जानते हैं भाई साहब, अगर आप सेट थ्योरी को जानते हैं ना तो गारंटी के साथ वी नो दैट, ठीक है आप हम लोग ये बात को जानते हैं, बोलो कि नहीं जानते हैं, वी नो दैट कि अगर आपके पास इफ़ वी हैव ए एंड बी आर द टू सेट, ठीक है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग? जानते हैं यार, सर्वे जानते हैं। अब सो व्हाट विल वी डू नाउ ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे देखें तो डिवाइड कितने पास, डिवाइड बाई कितना पास एन ऑफ एस, सिंपल स्पेसेस को डिवाइड कर देते हैं, किससे सिंपल, अगर सिंपल स्पेसेस डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में एन ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल्स टू बाई एन ऑफ एस बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या एस और माइनस वाई सब नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। सो एवरीबडी नो अबाउट दिस कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बाई एन एस दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए यूनियन बी, होता है ना जी। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यहाँ जो यहाँ पर रहता है वही पी के अंदर में रहता है और नीचे तो एन एस ही गारंटी के साथ है, यहाँ कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना मिलेगा ए इंटरसेक्शन, बस यही आपका फॉर्मूला का प्रूफ हो गया, है कि नहीं। बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें जो आपको अलग से बताने की ज़रूरत है ना।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो अब इसी में हम लोग आगे बात करते हैं ना, जैसे तो इनके पास हाँ ये पहला डेफिनेशन है यार, या फॉर्मूला समझिए आप इसको, इसको याद रखा कीजिए ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई जगह के प्रूफ में आपके पास ये आने वाले हैं, कई जगह के प्रूफ में आने वाले हैं ना। चलिए मैं प्रूफ हटा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है भाई साहब, सेकंड देखिए, सेकंड में ठीक है ना, देखिए तो इफ़ ए एंड कितना बी आर के पास एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव के पास इवेंट, एक्सक्लूसिव क्यों बोल रहा हूँ मैं आपके पास सर, म्यूचुअली क्यों नहीं लगाया हमने यार, दो ही इवेंट है तो फालतू क्यों म्यूचुअली लगाना है कि नहीं। चलिए तो अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि सर ए और बी अगर एक्सक्लूसिव है देन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा फाइव, और किसी भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाइव आ गया उसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यार ए इंटरसेक्शन बी तो फाइव हो गया, तो फाइव के अंदर कोई एलिमेंट होता है क्या, नहीं होता है ना जी, तो यानी कितना हो गया भाई साहब जीरो, नीचे में एनएस कर दो तो जीरो अपॉन कितना आपके पास एनएस कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसा होता है आप कह देंगे सर देन क्या हो जाएगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया बी, याद रखिएगा अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, म्यूचुअली भी बोल सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं, अगर ए और बी अगर आपका क्या है एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्या इवेंट है एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो गारंटी के साथ पी ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होगा पी ए प्लस बी बी के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है ना ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो दोनों एक साथ तो होगा ही नहीं कभी, दोनों एक साथ नहीं होगा तो दोनों का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा पास जीरो है उसका प्रोबेबिलिटी। थर्ड नंबर देखते हैं ना, थर्ड नंबर अब ये जो है इसकी याद रखिएगा ना, अगर आपसे बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अब देखिएगा अब ये जो मैं अभी जो चीज़ करने जा रहा हूँ ना, अभी जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो सबको फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं, आप डायग्राम पे चलेंगे ज़्यादा बेटर है। ये देख लीजिए, मान लीजिए जैसे कि आप पास सैम्पल स्पेस दिस इज ए एंड दिस इज क्या होता है पास बी, ए माइनस बी का मतलब होता है सर एक एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब दिस इज ठीक है ये एक एलिमेंट है बट बी में नहीं है। अब ए माइनस बी को अगर मुझे लिखना है इसका प्रोबेबिलिटी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का पूरा प्रोबेबिलिटी में से, पूरे ए के प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूँ तो क्या ये वाला पार्ट बचेगा, तो पी ऑफ ए यानी पूरे का प्रोबेबिलिटी में से मैं घटा रहा हूँ किसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला पार्ट यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो देख लो पी ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये सब जो अब लिखवा रहे हैं ना, ये सब आपके पास जनरेट करने का चीज़ है, ठीक है ना, खुद से जनरेट कीजिए इसको कि सर हम क्या कर सकते हैं इसमें ना, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इस पर दिमाग आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा लिख दीजिए, देखिए फोर तो बच्चा ये बोलेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया पास बी, देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ का बच्चा बोलेगा ऐसा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन बी है यार क्या होगा, तो भाई सब क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, इस फिगर को मैं हटा दूं एक पल के लिए, और अगर मैं आपसे ये पूछ दिया कि आपके पास सैम्पल स्पेस है दिस इज ए एंड दिस इज द बी, मैं आपसे बोला ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का, ए के क्या हो गया पास बाहर का, ये ना हो गया जी ए के कॉम्प्लीमेंट, और मैं बोला बी का इंटरसेक्शन बी कौन है हमारे पास टोटल ये हो गया, दोनों के इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में यही एलिमेंट आएगा ना, क्या इस एलिमेंट को लिखने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से हम इस इंटरसेक्शन वाला पार्ट को क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कितना आपके पास था बी, कोई दिक्कत है बता दो मुझे आप, नहीं ना। तो ये सब जो एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है इस पर बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है आप जब तक अगर ये सारी चीज़ें खुद से डेवलप करना नहीं सीखेगा ना, ठीक है तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको डेवलप करना सीखिए। और क्या ज़रूरी है वो भी लिखवाता हूँ, पहले आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए तो जल्दी से। और यार जब भी वीडियो देखिए ना भाई, तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब करना चाहिए है कि नहीं, नहीं ना करना चाहिए भाई। चलिए ठीक है देखते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सर आपने इतना बता दिया, फाइव नंबर बताइए, मैं बोलूंगा कि ए बी और सी के बारे में बात करेंगे, ए बी और सी के बारे में।
तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तीन तीन का क्या होगा, यार इसका भी फॉर्मूला आप सेट थ्योरी में जानते थे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, याद होगा वही चीज़ को एन की जगह पी पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया बेटा बी प्लस कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ए इंटरसेक्शन सी अब प्लस कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन यार जैसे ही सिक्स नंबर में एंट्री किया ना, उसने बोला इफ़ ए बी सी, याद किया ए बी एंड सी आर म्यूचुअली, क्योंकि तीन आ गया ना इस बार तो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर भाई साहब अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो दो का भी इंटरसेक्शन फाइव, इसका इंटरसेक्शन फाइव, इसका भी इंटरसेक्शन फाइव, इसका भी इंटरसेक्शन फाइव और तीन तीन का भी इंटरसेक्शन फाइव। और सिंपल सी बात है, जब इंटरसेक्शन फाइव तो इंटरसेक्शन अगर फाइव हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा जीरो ना, तो प्रोबेबिलिटी जीरो, इसका भी प्रोबेबिलिटी जीरो, इसका भी प्रोबेबिलिटी जीरो और इसका प्रोबेबिलिटी जीरो, देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया बी अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड रेस्ट ऑल आर क्या आपके पास जीरो, तो ये हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें, ठीक है ना। अच्छा यार एक चीज़ और, जब भी कभी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाते हैं और खासकर इस पर बनाते हैं, क्या नाम है पास एडिशन थ्योरम मतलब प्रोबेबिलिटी पे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है ना यार इनइक्वालिटी पे एंट्री कर जाता है, कहाँ पे इनइक्वालिटी पे, तो यार इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। चलिए क्या ध्यान से रखना है, नंबर वन कि आपके पास किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी, अगर हमारे पास कोई इवेंट ए है, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी जो होता है जीरो से लेकर वन के बीच में होता है, ये मेक श्योर हो जाना है। नंबर दूसरा, ठीक है, सेवन के बाद आपके पास एट नंबर में क्या देखिएगा, अगर हम लोग जानते हैं कि सर जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना वो क्या होता है सबसेट होता है किसका भाई साहब, आइधर ए का या फिर बी का, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी क्या होता है सबसेट होता है, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीटली बी के अंदर होता है और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीटली ए के अंदर भी होता है, तो अगर आप यहाँ यार प्रोबेबिलिटी लगा देंगे ना, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होता ना है वो छोटा होता है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके आपके पास ए से, और किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी होता है जीरो से तो बड़ा ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो इस बात को दिमाग में यार सेट रखें, यहाँ पर भी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट के आपके पास बी एंड दिस इज इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो से बड़ा ही होता है। तो अगर आप इस कंडीशन को फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, बोलोगे सर क्यों नहीं लिख रहे हैं आप, तो मैं इस कंडीशन को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और कंडीशन दिया हुआ है जो बी इंटरसेक्शन बी का भी क्या है सबसेट है, तब आपको वो लिखना पड़ेगा ना, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर जीरो लेकर चलेंगे हम लोग अपना, ठीक है ना। एक और लिख लेते हैं फटाफट हम लोग नाइन नंबर में, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, जरा देखिएगा ना, अगर हम आपसे बात कर लिए हैं कि जो सबसे हमारे पास जो बड़ा होता है बेटा पास, ठीक है देखिएगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लिया हमने, क्या ले लिया ये, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर हाँ किसी भी चीज़ का यूनियन, यूनियन सबसे बड़ा होता है यार, समझ ना, ऐसा ही बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर बी लेस देन और इक्वल टू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ए यूनियन बी, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपका ये हुआ कि आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कंडीशन को भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप इन चीज़ों को बढ़िया से समझ कर यार क्वेश्चन बना सकें, है ना। चलिए दो तीन फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो नोट कीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन लिखा जाना, चलिए तो मैं पहले क्वेश्चन एक लिख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है ना। तो देखते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जरा सा सॉल्व करेंगे ना, देखिएगा तो क्या होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके बारे में,
अगर आप ये डायग्राम में चलेंगे ना बेटा, डायग्राम में, तो फटाक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप डायग्राम में नहीं चलेंगे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि सीधे डायग्राम में चलिए और सबका डायग्राम देखिए, फटाफट अपना आंसर निकाल दीजिए। ये सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे ये सबका फॉर्मूला कितना आप याद रखेंगे यार। ठीक है, फॉर्मूला मत जाइए ना, डायग्राम पे चलिए। ठीक है, पूरी जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास जेई मेंस में एडवांस में, हाँ बोर्ड में अगर आता है ना, तो यार थोड़ा सा बना लेना होता है। ठीक है ना, आइडिया लगा करके। तो कैसे लगाएंगे आइडिया, कुछ खास बात थोड़ी है। यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास क्या कि गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इज गिवन हियर, व्हाट क्या आपके पास, अच्छा ये तो निकालना है ना आपको, फाइंड करना है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा कितना, 2/3। वी नो दैट अबाउट कितना पास, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब होता है कितना होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 1 माइनस 2/3, और दिस इज इक्वल्स टू 2/3, दिस इज इक्वल्स टू कितना बेटा 1/ कितना हो गया 3। तो ये हो गया पी ऑफ ए जो कि आपको निकालना था। तो पी ऑफ ए तो निकल गया, अब पी ऑफ बी भी निकल जाएगा। कैसे देख लीजिए, अगर आप सब फॉर्मूलाज जानना, पहले आप एक फॉर्मूलाज देख लीजिए सबको, अगर फिर फॉर्मूला से छोड़ करके आप डायग्राम देख लीजिएगा। प्लस आपके पास ये पी भी निकालना है, तो ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। मैं फॉर्मूला बैठा सकता हूँ कि आपके पास सेकेंड क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकेंड के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन हियर 3/4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी हैव क्या पास ऑलरेडी क्या पास फाइंड इट कितना पास 3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड माइनस ये तो निकालना है मुझे और इंटरसेक्शन बी इज गिवन हियर 1/4। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू इसको इधर लेके जाइए 3/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4। तो ये क्या हो गया पास, ये हो गया बेटा पास कि 1 माइनस 1/3 दिस इज इक्वल्स टू 2/3, दिस इज इक्वल्स टू 2/3। तो 2/3 ये जो हमारे पास क्या हो गया एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। नाउ इसके बारे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था यार आपको। अगर आप देखेंगे तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्या कर देंगे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए में से आप घटा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन बी को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया भाई साहब हमारे पास, कहाँ गया, 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, 1/4, दिस इज इक्वल्स टू 1/ कितना हो गया 12। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, नाउ फाइनली अब मुझे क्या पता करना है, ये लास्ट वाला। चलिए तो लास्ट वाला की अगर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर में, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये क्या है बी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का, ठीक है जी, यही ना। अब बी मतलब क्या हो गया, तो दोनों में इंटरसेक्शन कौन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। कैसे निकालेंगे, बी में से इंटरसेक्शन घटा देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब इस पूरे में से हम अगर ये वाला पार्ट घटा दें तो ये वाला आएगा ना, तो माइनस कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल चुके हैं आप कितना, 2/3 और इंटरसेक्शन बी 1/4 हो गया, तो 4 × 8 8 − 3 व्हाट 5/ कितना 12 कितना हो गया 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम तीनों निकाल चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन ढंग से निकाल चुके हैं, है ना। चलिए इसी चीज़ को अब हम ना डायग्राम से देखते हैं और फटाफट देखते हैं डायग्राम से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए चलिए सॉरी मिटाऊंगा नहीं ऊपर तक, ठीक है ना, मैं डायग्राम से सॉल्व करूंगा इसी चीज़ को। चलिए तो अगर डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो यार कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप मुझे बता दो, मतलब बिल्कुल सॉल्व करेंगे, देख लो आप सारा कुछ पता होना चाहिए, कौन क्या है तुरंत आप आंसर देगा, लाइन से आंसर लिख देंगे, ये दिस इज व्हाट के आपके पास ए एंड दिस इज व्हाट के आपके पास बी, है ना जी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। चलिए दिस इज सैम्पल स्पेस, पहले तो पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, ए है बेटा ये पूरा ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका ये बाहर का पूरा दे रखा है, ठीक है ना, ये पूरा दे रखा है कितना है 2/3, तो ये कितना होगा, तो 1 − 2/3 P of A पूरा आप निकाल सकते हैं कितना, दिस इज 1/3 और बाहर का वी नो दैट, बाहर का क्या हो गया हम लोग जानते हैं, बाहर का कितना हो गया टोटल A के बाहर का, इसको भूल ही जाइए ना, इसको भूल जाइए, इंटरसेक्शन में 1/4 है यार, ये 1/4 है तो ये जो 1/3 था ना, ये 1/3 जो था वो पूरे A का है, जो कि हम पी ऑफ ए निकल चुका है आपका, पी ऑफ ए जो है वो निकल गया 1/3। नाउ पी ऑफ बी निकालना है, बट रुकिए थोड़ा सा धैर्य रखिए,
पी ऑफ ए आपका 1/3 था टोटल, और ये 1/4 ये हो गया, तो 1/3 तो टोटल था और 1/4 ये वाला पार्ट है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट कितना बचेगा, ये वाला, तो 1/3 में से 1/4 बैठा देंगे कितना आएगा 1/12, तो दिस इज व्हाट 1/12, 1/12 कौन सा पार्ट है भाई, तो ये वाला पार्ट है, पार्ट है, और आपके पास ये कौन सा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो दिक्कत है ना, ये बी वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है आपके पास, बी वाला पार्ट है जो आपके पास ये है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला पार्ट में क्या आएगा, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ये और ये और ये पूरा मिलाकर ए यूनियन बी, तो 3/4 है, तो ये वाला तो समथिंग जो 1/12 हो गया, 1/4 है, इसमें से जो बच जाएगा सो यहाँ हो जाएगा, तो 3/4 यहाँ पर हो जाएगा, 1/4 हटा दो, 1/12 भी हटा दो, तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा इसका तो कितना हो जाएगा 12 है, कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 5/, कितना हो गया 12, दिस इज व्हाट के आपके पास 5/12 हो गया, कितना, सिर्फ बी नहीं है, सिर्फ बी नहीं होता है, ये वाला पार्ट है, क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सिर्फ बी नहीं, अब मुझे यहाँ से यहाँ सब मिल जाएगा आपको, अब बी कितना हो जाएगा, पी ऑफ बी, पी ऑफ बी हो जाएगा ये पूरा ना, ये पूरा बी है, यानी 5/12 प्लस 1/4, यानी 1/4 प्लस कितना हो गया 5/12, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया नीचे, तो कितना हो गया 12, कितना हो गया 3 प्लस 5, कितना हो गया पास 8/12, 8/12 का मतलब कितना हो गया आप समझ लीजिए, ठीक है ना, 400 ऊपर कट गए, 400 नीचे 2/3, यही है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 1/12, और ये वाला क्या है भाई साहब, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 5/, कितना हो गया 12, आप सबको पता होगा कौन क्या है ना, डायग्राम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, डायग्राम मतलब सेट थ्योरी में जाकर देखिए एक बार इसको, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे तो किसी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड के पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर एंट्री करेंगे, और ये क्लास 12th का पोर्शन में एंट्री कर जाएंगे, अभी तक हम लोग क्लास 11th के पोर्शन में हैं, ठीक है।